हेलो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। तो विधि का शासन ये जो संकल्पना है वो है जिसके आधार पे जो महान चिंतक राजनीति विश्लेषक अरस्तु, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पे यह सिद्ध किया कि कानून का शासन ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और उसी आधार पे उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जो विधि के शासन की उत्पत्ति की जो देन है, वैसे व्यवहारिक रूप से वो देन है ब्रिटिश संविधान की रही है, क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन ही एक ऐसा राष्ट्र था जिसने इस व्यवस्था को अपनाया, और उसके साथ साथ शासन में कानून की सर्वोच्चता को कायम किया गया। उसके बाद अधिकांश से जो देश हैं जहाँ भी संविधान है और संविधान के अनुसार जो व्यवस्था चलाई जाती है, उन सभी ने विधि के शासन को अपने यहाँ जीवित रखा है। तो जो विधि का शासन है उसके अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता अर्थात कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, चाहे उसकी प्रायस्थिति कुछ भी रही हो। दूसरा, विधि के समक्ष जो समानता है या समता है, अर्थात सभी व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, इस प्रकार का आदर्श विधि के शासन के अंतर्गत समाहित होता है। और जो इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, तो जैसे जो इसके सबसे अधिक या विधि के शासन की जो संकल्पना है उसके जो प्रतिपादक है जो डायसी, एवी डायसी, ब्रिटेन के जो कि बड़े व्याख्याकार हैं ब्रिटेन संविधान के और कानूनविद हैं, तो उनके शब्दों में कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही, एक टैक्स वसूल करने वाले से लेकर एक साधारण नागरिक तक बिना कानूनी औचित्य के किए गए कार्य का दायित्व उतना ही है जितना कि किसी एक सामान्य नागरिक का होता है। अर्थात कानून के अनुसार कोई भी कार्य सही होता है, चाहे उसको करने वाला कोई प्रधानमंत्री हो चाहे साधारण नागरिक। दूसरे शब्दों में यदि लॉस्की के शब्दों में हम देखें कि कानून के शासन द्वारा शासन में कार्यपालिका की जो निरंकुशता है उसके खतरों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है, वरन विधि के शासन के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुनिश्चितता भी स्थापित होती है। तो ये जो परिभाषा है इनसे सभी से यह स्पष्ट होता है कि कानून के शासन की मंशा यही है कि शासन नागरिकों में कानूनी समानता, दायित्वों की समानता के साथ न्यायिक समानता भी स्थापित करता है, और प्रत्येक नागरिक को इसकी पालन करना अनिवार्य रूप से होती है, तथा इसके साथ साथ शासक को भी इसका पालन करना अनिवार्य है। तो परिभाषाओं के आधार पे और इस विश्लेषण के आधार पे यह माना जाता है कि विधि का शासन वो है जो ये इन शर्तों को पूरी करता हो, अर्थात पहला, देश का कानून सर्वविदित होना चाहिए ताकि नागरिक को यह मालूम हो कि उन्हें किस तरह प्रभावित वो कानून करेगा। दूसरा, कानून स्वरूपतः सर्वमान्य होना चाहिए, अर्थात सब लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे उनके ऊंचे से ऊंचे बड़े पद पर बैठा हो व्यक्ति, यानी नागरिक साधारण नागरिक हो या किसी भी एक बड़े पद पर बैठा हुआ, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी रही हो, उन सब लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगला, इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी जाती है। अगला, कानून का प्रयोग अतीत काल से प्रभावी नहीं होना चाहिए, है ना, कानून ऐसा नहीं कि पुराने काल में ऐसा था तो उसकी परिस्थिति भी अब भी ऐसी ही रहेगी, जिस समय कानून बन गया उस समय वो प्रभावी होना चाहिए। कानून की शक्ति का प्रयोग केवल कानून में निहित जो प्रक्रियाएं हैं और जो सिद्धांत हैं उन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी शासन प्रणाली इन शर्तों को पूरा करती हो तो ये मानना चाहिए कि वहाँ विधि का शासन संचालित है। एवी डायसी, जो कि इस विधि के शासन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अधिकृत व्याख्याकार है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन का घर या विधि के शासन की संज्ञा दी है, जो कि आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बन गया, क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर वहाँ नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी संवैधानिक जो प्रत्याभूति है वो नहीं होने के कारण
अर्थात वहाँ अलिखित संविधान है, इसलिए वहाँ लिखित रूप में इस प्रकार की गारंटी नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए विधि के शासन की स्थापना वहाँ की गई। तो डायसी के अनुसार विधि के शासन के तीन अर्थ इस अर्थ में निहित है कि कानून के प्रयोग के समय निरंकुश शक्ति के प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं, अर्थात कानून उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है, यानी जो भी शासक है या शासन है वहाँ निरंकुश शक्ति की कोई भी संभावना इसके अंतर्गत दिखाई नहीं दी जाती है। दूसरा, विधि का शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अर्थात जो साधारण नागरिक है एवं जो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा जो अधिकारी है सभी साधारण कानूनों से बंधे हुए होते हैं। तीसरा, इंग्लैंड में जो विधि का शासन है वो ये संकेत देता है कि यहाँ नागरिकों के अधिकार संविधान के द्वारा नहीं बल्कि देश में व्याप्त जो भी साधारण कानून है उनमें विहित जो उपचार है उनके माध्यम से सुरक्षित है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ अलिखित संविधान है और जो लिखित संविधान होता है वहाँ नागरिकों के जो अधिकार है वहाँ वो वर्णित कर दिए, लिखित रूप में जाते हैं। तो इन उपयुक्त जो प्रकृति है विधि के संविधान की, इन प्रकृति के अधिकार प्रकृति के आधार पर डायसी ने बताया है कि ये प्रकृति जहाँ शासन में पाई जाती है इस प्रकार के नेचर, तो वो वहाँ विधि का शासन का संकेत देती हैं। यहाँ आलोचक डायसी पर यह सवाल उठाते हैं कि डायसी केवल कानूनी प्रक्रिया को नियमित करते हैं, कानून की विषय वस्तु के बारे में वो हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन यहाँ आलोचक उनके जो विश्लेषण है उसकी संकीर्ण व्याख्या करते हैं। जबकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायसी कार्यपालिका को विधि निर्माण के सीमा क्षेत्र से बिल्कुल बाहर रखते हैं। अतः विधि के शासन के बारे में डायसी की जो संकल्पना है उसका भावार्थ यह है कि व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो देखा जाए तो विधि का जो शासन शब्दावली है वो सीमित शासन की उन सब युक्तियों का संकेत देती है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनाई जाती है। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश संविधान है वो राजनीति विज्ञान को एक विशिष्ट देन है। किस रूप में? कि उसने जो विधि का शासन है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को एक भेंट स्वरूप प्रदान किया है, जो कि ब्रिटेन ही नहीं किसी भी देश जहाँ की विधि का शासन है और उसके यह मायने हैं कि विधि ही सर्वोच्च है, अर्थात स्वेच्छाचारी अधिकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जो भी नियम कानून बनाए वो विधि के अनुसार ही हो और प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विधि का पालन करे। और व्यवस्थापिका विधि के संकल्प के माध्यम से सर्वसाधारण की दास बनकर रहे न कि स्वामी, जो कि उसी विधि के अंतर्गत भी वो आती रहेगी। तो इस प्रकार से जो विधि का शासन है उसकी व्याख्या हमने इस प्रकार से की है एवीडाइसी के अनुसार और साधारण अर्थों में कि भाई विधि के शासन का अर्थ वाकई में क्या है। अब यदि हम विधि के शासन की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो इसमें जैसे कि अत्याचारी शक्ति का अभाव है, अर्थात कानून के शासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि शासक किसी भी परिस्थिति में जनता पर मनमानी तरीके से शासन नियम या कानून थोपने का प्रयास नहीं करेगा। और जो कानून का शासक है कानून का जो शासन है सॉरी वो शासक को भी नियंत्रण में न करता है, क्योंकि इसमें जो नागरिक स्वतंत्रता हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उन पे वो कभी भी प्रहार नहीं कर सकता। दूसरा, कानून के अंतर्गत यहाँ समानता है, अर्थात कानून का जो शासन है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक कानूनी समानता स्थापित करता है जिसमें के अंतर्गत जाति रिंग लिंग रंग पद और इन किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारतीय जो संविधान है वहाँ जो समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत इस प्रकार की भावना वर्णित की गई है। जो अगला जो कानून स्वतंत्रता और अधिकारों को का भी रक्षक है, अर्थात कानून का जो शासन है वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा का जो प्रतीक है उनकी भी वो सुरक्षा करता है, स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की विशेषता इसमें वर्णित की गई हैं। और अंत में जो कानून की जो सर्वोच्चता है उसके अनुसार
कि कोई भी व्यक्ति कानून के शासन से वंचित नहीं होता है, सभी को इसके अधीन रखा जाता है। तो इस प्रकार की विशेषताएं विधि के शासन के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। अब यदि इसके सिद्धांत के ऊपर चर्चा करें, विधि के शासन के जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से कि यहाँ जो विधि है वो शासन करता है, शासक नहीं, क्योंकि जो कानून है वही वास्तव में शासक यहाँ माना जाता है, क्योंकि कानून को भी कानून के माध्यम से मर्यादाओं में रखा जाता है। अगला, जैसे जो कानून है उसका जो अस्तित्व है वो सर्वव्यापी है, कानून का शासक अपना अस्तित्व रखता है, वह सर्वव्यापी पाया जाता है, यहाँ राज्य की समस्त सीमाओं पर यह लागू होता है। कानून का शासन संरक्षक के रूप में भी होता है, अर्थात प्रत्येक नागरिक अपने माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करता है, यह नागरिकों का संरक्षक होता है, क्योंकि इसी के संरक्षण के माध्यम से नागरिक अपनी स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकार, सुरक्षा आदि की गारंटी के रूप में प्राप्त करता है। जो कानून का शासन है अर्थात विधि का जो शासन है वो कानूनी समानता का भी प्रतीक है, इसमें किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता। कानून के शासन में कानूनी समानता का समावेश किया गया है तथा पालना नहीं करने की स्थिति में न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से यहाँ दंड का प्रावधान भी रखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें वो निश्चित सिद्धांत हैं जो कि विधि के शासन को एक न्यायोचित या औचित्य रूप से सही ठहराते हैं। अब यदि हम सीमाओं के बारे में चर्चा करें कि जो यदि जो आलोचक हैं जो बताते हैं कि कानून के शासन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, जैसा कि ब्रिटेन का यदि उदाहरण लें कि संविधान में कानून का शासन स्थापित तो किया गया है लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जैसे कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कानून के अंतर्गत विशेष छूट उनको दी गई है, लोक सेवा के जो अधिकारी है वो शासन के नियंत्रण से उनको मुक्त रखा गया है, ब्रिटेन का जो सम्राट है उसको भी यहाँ मुक्त रखा गया है। तो इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ अंतर पाया जाता है। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन, जैसे ब्रिटेन में कानून निर्माण का जो दायित्व है वो व्यवस्थापिका को सौंपा गया है लेकिन व्यवहार में जो ये कार्य है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कानून के शासन पर ये सीमाएं लगती हैं कि कानून निर्माण का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के पास है, लेकिन इतना काम का दबाव एवं प्रेशर होने के बाद व्यवस्थापिका क्या करती है कि कम महत्वपूर्ण विषय के जो विषय हैं उनको कार्यपालिका को सौंपती है, जिन पर कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण करती है। यहाँ न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालयों में भी विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात कानून के जो शासन है पर जो सीमाएं लग जाती हैं, एक साधारण नागरिक के लिए अलग न्यायालय होता है तथा जो पूरी सरकारी मशीनरी को जो चलाते हैं अधिकारी कर्मचारी उनके लिए अलग प्रकार का एक न्यायालय गठन किया जाता है। अगला, जैसे विदेशी नागरिकों पर यह लागू नहीं होता, जैसे कानून का शासन अपने नागरिकों पर ही लागू होता है, किसी विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता, जैसे कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है भाग 3 उसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। सैन्य न्यायालय, उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था यह की गई है। तो इस प्रकार से विधि का जो शासन है उस पर ये वो कुछ सीमाएं हैं जो कि उसके जो सिद्धांत और औचित्य या सिद्धांत और व्यवहार से में अंतर करती है, लेकिन फिर भी आज विश्व के अधिकांश जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जहाँ भी लिखित संविधान है और संविधान के अनुसार वहाँ व्यवस्थाएँ चल रही हैं, वहाँ विधि का शासन ही एक सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार का मॉडल माना गया है जिसके अनुसार सही प्रकार से व्यवस्थाएं चलाई जाती है। तो विधि का शासन वाकई में सिद्धांत के रूप में, आदर्श के रूप में आज भी एक औचित्यपूर्ण संकल्पना है जो कि उसके बिना किसी भी देश या व्यवस्था का काम नहीं चल सकता। तो ये है आप विधि के शासन की संकल्पना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।